Assalamu alaikum, kaise hain aap? Alhamdulillah, how are you? Kya aap hume sikha sakte hain how to start a marketing agency business? Why not? Aajay. Marketing agency. Very interesting question. A lot of people ask this to me. And I think marketing agency start karne se pehle aapko pata hona chahiye ke marketing actually hai kya. But isse pehle hum aapki journey ke baare mein sunna chahte hain. We want to hear about your company. Journey. Interesting question. Let me just introduce myself then. I am founder of Potato Logics. Potato Logics my company name, my marketing agency. Ye bhi inko bataiyega that you learnt a lot by actually doing the work, job karke. Haan, maine start kiya. Azad bhai, aap degrees appreciate nahi karte. Main is tarah, agar main us concept, context mein baat karun, to jo maine seekha, wo maine apne experiences se seekha. Agar main sirf padhta rehta aur main ye jobs na karta, internships na karta, to mere liye possible nahi tha ki main apni company start kar sakta at the end of my degree. तो वो मैंने सारी जो चीज़ें सीखी वो मैंने एक्सपीरियंस से सीखी, डिफरेंट बॉसेस से सीखा, डिफरेंट कॉलीग से सीखा. इवन जो हमारा ऑफिस बॉय है वही समटाइम्स आपको चीज़ें सिखा रहा होता है. और ये जो क्रिएटिव इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, जिसमें यू नो सारी एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स होती हैं, इसमें आप लोगों से सीखते हैं ज़्यादा और लोगों से आपको आइडियाज़ आते हैं. सो बेसिकली पोटैटो लॉजिक करती क्या है? पोटैटो लॉजिक्स में हम बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, प्रोडक्शन करके दे रहे होते हैं डिफरेंट कंपनीज को, जिसमें हमने कुछ कंपनीज की टीवी सीरीज भी प्रोड्यूस की हैं. उसके अलावा एक और मार्केटिंग होती है जिसको हम BTL कहते हैं, बिलो द लाइन एडवर्टाइजिंग. उसमें हम डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहे होते हैं, जो आपको डिफरेंट मॉल्स में डिफरेंट ब्रांड्स की एक्टिविटीज़ होती नज़र आ रही होती हैं, रोड्स पे एक्टिविटीज़ नज़र आ रही होती हैं आपको मार्केटिंग की. सो दिस इज़ व्हाट वी डू एट पोटैटो लॉजिक्स. अब हमें ना थोड़ा अपने क्लाइंट्स के बारे में बताइए. हमने गवर्नमेंट के साथ अल्हम्दुलिल्लाह काम कर लिया है. गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ हमने एक पूरा क्रिएटिव प्रोजेक्ट कर दिया. चोलिस्तान डेजर्ट रैली के हम क्रिएटिव एंड डिजिटल पार्टनर थे. उसके बाद हमने उबर के साथ काम कर लिया है. उसके बाद हमने वाइट ट्राइब के साथ काम कर लिया है. उसके बाद देर इज दिस कंपनी इन न्यूयॉर्क, हमने उसके साथ काम कर लिया है. उसकी सारी हमने ब्रांडिंग करके दी है, उसका डिजिटल मैनेज करके दिया है. सो देयर आर कपल ऑफ ब्रांड्स. अब हमारे मिलेनियल्स को बताइएगा कि वो कैसे शुरू करें. शुड दे स्टार्ट विद फ्रीलांसिंग? शुड दे बिकम इंटर्न्स? आप गाइड करिए प्लीज. फर्स्ट स्टेप ये है कि जो आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसका आपको आइडिया हो कि आप एग्जैक्टली जो सर्विसेज दे रहे हैं आपकी उस पर ग्रिप हो. आप एक हफ्ता, दो हफ्ता, तीन हफ्ता, एक महीना जाके किसी के साथ इंटर्नशिप कर लें उस काम पे, फिर स्टार्ट करें. ऐसा ना हो कि आपका टेक्निकल बैकग्राउंड है और आप क्रिएटिव साइड पे घुस रहे हैं, तो उससे यह होगा कि आप यू नो दे नहीं पाएंगे, वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे. और अगर आप कर सकें तो आप अपनी मार्केटिंग कैंपेन बनाएं पहले. आजकल होता क्या है कि हम कह रहे होते हैं कि भाई मैं मार्केटिंग एजेंसी बना रहा हूं, लेकिन आपकी मार्केटिंग एजेंसी की अपनी वेबसाइट इतनी क्रिएटिव नहीं होती. आपकी मार्केटिंग एजेंसी कह रही होती है कि मैं टीवी सीरीज बनाता हूं, लेकिन उसकी अपनी कोई टीवी सीरीज नहीं होती, उसका अपना कोई डिजिटल कॉन्टेंट नहीं होता. तो सबसे पहले जो आपका पोर्टफोलियो होगा वो आपका अपना ब्रांड होगा, कि उसका फेसबुक पेज कैसा है, उसका इंस्टाग्राम फीड कैसा है, उसकी वेबसाइट कैसी है, उसका कंटेंट क्रिएशन कैसे है. सो स्टार्ट विद योरसेल्फ, ब्रांड योरसेल्फ. जब आप अपने आप को मार्केट करते हैं तो ओवर द टाइम आप लोगों को पता लगता है कि यार ये एजेंसी कर रही है. समटाइम्स हमें ग्रुप्स में देखने को मिलता यह है कि लोग पूछ रहे होते हैं यार मैंने मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कर ली है, मुझे क्लाइंट चाहिए. तो मार्केटिंग एजेंसी का तो काम ही यही है कि वो दूसरे ब्रांड्स को जो है वो यू नो क्लाइंट्स लेके दे. तो ये कैसा क्वेश्चन है कि उसे क्लाइंट्स चाहिए? सो फर्स्ट नीड टू ब्रांड योरसेल्फ. सो दिस इज द एडवाइस आई हैव फॉर द यू नो एस्पायरिंग पीपल हु वांट्स टू स्टार्ट देयर एडवर्टाइजिंग एजेंसी. तो अगला मेरा सवाल ये है कि हाउ डू यू गेट क्लाइंट्स? मेरे जो मिलियनेयर्स हैं ये क्लाइंट्स कहां से लेके? ऑनेस्टली जब आप शुरू करते हैं तो आपको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से स्टार्ट करना होता है. ठीक है, आप देखें आपके कौन से फ्रेंड्स हैं जो आप पे ट्रस्ट करके आपको अपना काम देते हैं. ठीक है, आप उन फ्रेंड्स के पास जाएं, आप उनकी नीड आइडेंटिफाई करें. जो एंटरप्रेन्योर है ना वो नीड आइडेंटिफाई करता है. ओवर द टाइम ये कल्चर एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में भी खत्म हो जा रहा है कि आप जाते हैं और वो आपको क्रेजी बजट्स मिल जाते हैं. आपको जाके स्मॉल बिजनेसेस के प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने हैं कि यार ये मेरे दोस्त का एक बिजनेस है, उसको अगर डिजिटल पे एक्सपोजर मिल जाए तो ही विल बी एबल टू गेट यू नो गुड कस्टमर. तो आपने उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देना है. कोई और आपने अपना दोस्त या फैमिली में ढूंढना है जिसको आप अच्छी ब्रांडिंग दे दें तो वो एक्सपोजर उसको मिल सकता है. प्रॉब्ली हो सकता है कि आपका कोई फैमिली बिजनेस हो जिसको आप एक नई मार्केट, ऑनलाइन मार्केट का एक्सपोजर दे सकें, या आप अगर एक बिजनेस को इस तरह से पोजिशन कर दें कि वो उसको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल जाए. तो पहले आपको फ्रेंड एंड फैमिली में लोग ढूंढने हैं जो आप पर ट्रस्ट करें और उनका काम इतना अच्छा कर देना कि वो आपको आगे रेफर करें. उसके बाद बेहतरीन तरीका है
कि आप फेसबुक पे जाएं, इंस्टाग्राम पे जाएं, कीवर्ड डालें और अपने अराउंड पेजेस देखें कि कौन से ऐसे ब्रांड्स हैं जो जिनका काम अच्छा है और वो डिजिटल में लैग कर रहे हैं, वो अपनी मार्केटिंग में लैग कर रहे हैं, उनकी आप नीड्स आइडेंटिफाई करें, उनको आप बताएं, उनको उनसे उनसे टाइम लें, उनसे मिलें और उन्हें बताएं कि यार आपका आपका जो ब्रांड है वो ये प्रॉब्लम्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं और हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। मनी इज़ द थिंग विच शुड कम एट द एंड इन दिस बिजनेस। आपको पहले अगले की नीड आइडेंटिफाई करके उसको सोल्यूशन देना है, उसके बाद ही विल बी एबल टू पे यू। और आपने अगर किसी एक ब्रांड की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, वो सारी जिंदगी आपका ही क्लाइंट रहेगा। अब हम स्टाफ के बारे में बता सकते हैं। स्टाफ मैनेज करना इज क्वाइट अ हैसल, लेकिन जो आपका कोर टीम है ना, वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई आपके सर्कल में अच्छे रिसोर्सेज हैं जिसके साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हैं, तो आपको जो मार्केटिंग का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, उसमें आपको क्रिएटिव डिजाइनर चाहिए, ग्राफिक डिजाइनर, आपको वीडियो प्रोडक्शन के लोग चाहिए, वीडियो एडिटर्स चाहिए, आपको ई कॉमर्स डेवलपमेंट के लिए कोई बंदा चाहिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक अच्छा कंटेंट राइटर हो, एक अच्छा कॉपी राइटर हो जो क्रिएटिव कंटेंट लिख सके आपसे। सो दिस इज द टीम यू रिक्वायर। अगर आपको लगता है कि आपके दोस्त ऐसे हैं जिनके पास ये स्किल सेट हैं सारे, तो आप एक यू नो ज्वाइंट वेंचर भी कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन हायर दोज रिसोर्सेज एज वेल। हमजा, इस बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन क्या है? प्रॉफिट मार्जिन काफी अच्छे हैं। वंस यू हैव डेवलप्ड द टीम, राइट, आपने लेट से चार लोगों की टीम बना ली है जिसका 1.5 लाख रुपया पे रोल है, हम यूजली 40-50 हजार रुपए में अच्छे रिसोर्स आ जाते हैं। आपने चार रिसोर्सेज हायर कर लिए 50-50 हजार रुपए पे, 2 लाख रुपया आपकी कॉस्ट है, आप ऑफिस के एक्सपेंसेस भी डाल लें, चले 50,000 उसका भी डाल लें, 2.5 लाख रुपया, ठीक है। अब आपको उस लेवल के प्रोजेक्ट्स लाने हैं कि आपकी टीम जो है वो ओवर द मंथ इंगेज रहे, राइट। तो आप अगर एक अच्छा मार्केटिंग का प्रोजेक्ट लेके आते हैं तो वो आपको कम से कम 1 लाख रुपए की आपकी इनवॉइस बना देता है, जिसमें आप उसको ब्रांडिंग करके दे रहे होते हैं, जिसमें आप उसकी डिजिटल प्रेजेंस बना रहे होते हैं, जिसमें आप उसका सोशल मीडिया मैनेज कर रहे होते हैं, जिसमें आप उसका कैटलॉग या पोर्टफोलियो डिजाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो 1 लाख रुपए का काम इजीली हो जाता है। और अगर आपके पास ये चार कैपेबल रिसोर्सेज हों तो ये आप 4-5 दिन में अच्छा एग्जीक्यूट कर देते हैं। सो एवरेजली यू कैन यू नो क्लोज अराउंड लाइक 8-9 बिजनेसेस, प्रॉबेबली 10 बिजनेसेस इन अ मंथ, राइट। अगर आप 10 बिजनेसेस एक महीने में कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप राउंड अबाउट 8-9 लाख रुपया या 10 लाख रुपए तक आपका जो है रेवेन्यू जनरेशन हो रही है। और आपने देना क्या है, आपने सैलरीज ही देनी है अपने रिसोर्सेज के, इसके अलावा कोई और उसमें खर्चा ऐसा सच है नहीं। हाँ, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, समटाइम्स शुरू में क्या होगा, शुरू में मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको अगर लगता है कि कोई एक ऐसा क्लाइंट है जिसको आप पूरा महीना दे देंगे, ठीक है, और फिर वो आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएगा, तो अगर वो आपको ब्रेक इवन पे भी आता है तो वो बुरा आइडिया नहीं है करना, वो लाजमी आपको करना चाहिए। तो प्रॉफिट मार्जिन्स अच्छे हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट ऐसा सच है नहीं, आपको सिर्फ एक छोटा सा ऑफिस चाहिए या आप किसी कोवर्किंग स्पेस में भी जा सकते हैं और आपने रिसोर्सेज हायर करने हैं। वंस यू हायर द रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को आपने एक महीने बाद पे करना है, तो एक महीने में आप इतना बिजनेस ले आते हैं कि उनकी इजिली सैलरीज भी निकल जाए और आप प्रॉफिट में भी हो कंपनी। लास्टली हमजा, अगर हमारे मिलियनेयर्स में से कोई आपके साथ इंटर्नशिप करना चाहे या आपसे गाइडेंस चाहे, कैन यू हेल्प इन दैट रिगार्ड्स? हाँ, श्योर, आई एम ऑलवेज 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 रेडी टू टेक पीपल ऑन बोर्ड। बिकॉज मैं अपना बताऊं तो मुझे मेरे बॉस ने पहली बार, अगर वो मुझे चांस ना देते तो शायद मैं इस इंडस्ट्री में आ ही नहीं सकता। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है और मजे की बात यह है कि मैं एक ऐसा मेरा माइंडसेट ऐसा है कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास 2 लोग ऐसे हैं जो अब तक यहाँ से मेरी एजेंसी से ओवर द 8-9 मंथ्स मेरे साथ काम करके, मेरे से काम सीख के अब वो अपनी एजेंसी चला रहे हैं और उनके साथ मेरा इतना अच्छा कनेक्शन है कि समटाइम्स हम एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन भी कर रहे होते हैं। सो इफ यू आर समवन हु इज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज, मेरा ऑफिस लाहौर DHA में है एंड आई एम टोटल ओपन फॉर एनी काइंड ऑफ रिसोर्सेज टेकिंग। मैं सिर्फ आपको काम सिखाऊंगा नहीं, मैं आपको पे भी करूंगा। थैंक यू वेरी मच हमजा। यू आर वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह आपको खुश रखे।